कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रोमा 2022 का एक बेहतरीन मैच आप लोगों के सामने, रोमानिया वर्सेज कजाकिस्तान वुमेन 40 kg। खींच मारने का प्रयास किया रोमानिया की पहलवान ने और पीछे जाके 2 पॉइंट हासिल किए। पितले बांधने का प्रयास करते हुए रोमानिया की पहलवान रेफरी ने स्टैंडिंग में कुश्ती करने का निर्देश दिया। एक बार फिर कीच मारने का प्रयास रोमानिया की पहलवान के द्वारा। क्लाजिंग मारने का प्रयास और ये देखना होगा कि कौन सा पहलवान पॉइंट ले पाता है या नहीं। और ये 2 पॉइंट हासिल किए रोमानिया की पहलवान ने। 4-0 का स्कोर और जीत करने का प्रयास करते हुए, लेकिन रेफरी ने छुटवाया। कुश्ती का फर्स्ट हाफ समाप्त, दोनों ही पहलवान अपने अपने कॉर्नर में जाते हुए। कोचेस अपने पहलवानों को रिलैक्स करते और समझाते हुए कि किस प्रकार से कुश्ती लड़नी है। ब्रेक समाप्त और कुश्ती का सेकंड हाफ स्टार्ट। 4-0 का स्कोर देखना होगा कि कजाकिस्तान की पहलवान किस प्रकार से कुश्ती लड़ती हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई खाता नहीं खुला है इस कुश्ती में। ये डाक मारने का प्रयास, लेकिन फिसली अपने ही अटैक में कजाकिस्तान की पहलवान। और कजाकिस्तान के पहलवान ने रोमानिया के पहलवान को ऑरेंज जोन से बाहर धकेल कर 1 पॉइंट हासिल किया। क्लाजिंग मारने का प्रयास करते हुए रोमानिया की पहलवान और डेंजर में किया कजाकिस्तान की पहलवान को और 2 अंक प्राप्त किए रोमानिया की पहलवान ने। ये जनेऊ बांधा और डेंजर करने का प्रयास करते हुए रोमानिया की पहलवान
और ये डेंजर किया और 2 पॉइंट हासिल किए रोमानिया की पहलवान ने। 10-1 का स्कोर कुश्ती में मात्र 10 सेकंड शेष। और ये डाक मारने का प्रयास लेकिन रोमानिया की पहलवान ने अच्छा डिफेंस किया। और ये कुश्ती समाप्त। 10-1 का स्कोर और इस कुश्ती में विजयी रही रोमानिया की पहलवान।